कौन अच्छे लगते हैं, मोदी या राहुल? केजरीवाल। राहुल की तो हम शक्ल नहीं देखना चाहते। गलत बोला है उन्होंने ऐसा। मोदी जी एक इंसान है, भगवान भगवान है। मोदी जी के राज में खुश है? बिल्कुल खुश हूँ मैं तो। मजदूर के हित में कोई नहीं है, महिलाओं के हित में कोई नहीं? कोई नहीं, हमारे लिए कोई नहीं है। वैसे तो कारोबार के हिसाब से राहुल अच्छे लगते हैं। और आप कह रहे हैं मोदी जी, मोदी जी पसंद है? हमें राहुल गांधी पसंद है। घर घर मोदी। बात कर रहे हो आप, जो इंदिरा गांधी काम कर गई है ना, बाकी कोई नहीं। मोदी जी और राहुल गांधी में कौन पसंद? मोदी जी अच्छे हैं जी। मोदी वाले में छिछोरापन है। छिछोरापन, छिछोरापन। अपनी सोच क्या बोले, छिछोरापन नहीं है। आप दोनों दोस्त हैं? हां बिल्कुल दोस्त हैं, पॉलिटिकली नहीं, वैसे दोस्त हैं। तो चलिए ठीक है, राहुल आप इन लोगों को जवाब दीजिए। ना ना, मैं कुछ नहीं जवाब दूंगा। मोदी ने तो सिर्फ गुजरातियों को बना दिया, बाकी जाए भाड़ में। हाँ, देश को आगे बढ़ा दिया। देश ही आगे बढ़ाना है। रातों रात नोट बंद हो सकते हैं और रातों रात उन लड़कियों को न्याय नहीं मिल सकता। नमस्कार, मैं शिखा सिंह और आप सभी का जनहित आवाज़ में स्वागत है। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं, अभी मैं ऑटो में बैठी हूँ और ये जगह जो है ये कनॉट प्लेस है, ये सीपी है। आप तमाम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए आते होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि ये लोग राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं। राहुल गांधी अभी विदेश गए हैं, उन्होंने मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो अभी मेरे साथ हैं ऑटो वाले भैया, हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या सोचते हैं, मोदी जी बेहतर हैं या राहुल गांधी, क्या कहेंगे आप? पहले तो आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं? मेरा नाम नानक चंद और मैं दिल्ली में खानपुर पर रहता हूँ और पीछे यूपी से हूँ, बुलंदशहर से। हाँ, तो कौन अच्छे लगते हैं? वैसे तो योगी मोदी अच्छे हैं। मोदी तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है आपको? उनको बोलने का तरीका सही नहीं है उनका। अच्छा, वो शायद कुछ बात सही कहते हैं लेकिन उनका कहने का जो नजरिया है वो गलत है। राजनीति सही से नहीं कर पाते हैं। हाँ, राजनीति नहीं कर पाते सही। बात मतलब हो सकता है वो आपके ये कहने का, हो सकता है वो सही बोलते होंगे लेकिन तरीका सही नहीं, तरीका सही नहीं है उनका। बात बाकी उनको जो लोग पप्पू कहते हैं उनके लिए क्या कहें, वो सच में पप्पू है आपको ऐसा लगता है? अब वो तो पप्पू तो जहर होते हैं ना। अब आप मुझसे बात करेंगे और मैं ठीक से जवाब नहीं दूँ और उल्टा सीधा बोलूँ तो आप तो मुझे ही पप्पू कहेंगे ना, इसीलिए कहते हैं। कहीं ना कहीं लोग सही कहते हैं। हाँ जी, तो अभी राहुल गांधी ने कहा है, मोदी जी तो वैसे आपको पसंद है लेकिन राहुल गांधी ने कहा है अगर भगवान और मोदी जी को एक साथ बिठा दिया जाए तो भगवान को भी मोदी जी समझा देंगे, कह रहे हैं। गलत बोला है उन्होंने ऐसा। मोदी जी एक इंसान है, भगवान भगवान है। अच्छा, ठीक है ना। और ये पॉलिटिकल बात को लेके क्या बोला है उन्होंने? अच्छा, है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन्होंने। एक इंसान को भगवान से तुलना नहीं करनी चाहिए। चलिए हम और भी लोगों से बात करेंगे और यहाँ पे बहुत लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर ये लोग राहुल गांधी और मोदी जी में इतने विचलित क्यों रहते हैं। मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ, तो सब अच्छे लग रहे हैं, जो काम सही कर रहा हूँ सही अच्छा लग रहा। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ सही। हमारे नहीं, राहुल गांधी और मोदी जी में कौन अच्छा लगता है? नहीं, हमें तो मजदूरी करनी है, आज भी कल भी, हमें सब अच्छे लगते हैं। सरकार से कोई मतलब नहीं है? सरकार से क्या, जो मजदूरी कर रहे हैं हमें सरकार से क्या मतलब है, अपनी मजदूरी करते हैं, पेट पालते हैं। नहीं, सरकार ही तो मजदूरी भी देती है। सरकार क्या देती है, मेहनत करते हैं हम अपनी खेतीबाड़ी में। कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड के। उत्तराखंड। अभी मोदी जी और राहुल गांधी में कौन आपको अच्छे लगते हैं? मोदी जी और जमीनी नेता बन रखे हैं, ये रही मैंने राजा परिवार से, तो इसलिए ये कामयाबी हो रही है। इन्होंने पूरी ये राजनीतिक शिक्षा भी ग्रहण की, इनके पिताजी ने भी राजनीतिक शिक्षा ग्रहण अंदर ट्रेनिंग थे, वह भी इनका एक्सपायर हो गए राजीव गांधी जी, क्योंकि इंदिरा गांधी इन्हें सिखा रही थी, किसान रैली थी 1980 में, ट्रेनिंग दे रही थी, तो ये पूरी ट्रेनिंग नहीं ले पाए इनके पिताजी। तो राहुल गांधी तो अभी बच्चे थे, चॉकलेट खाने वाले। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मोदी जी और राहुल गांधी में कौन अच्छे लगते हैं? अच्छा तो ये जमीनी है, ये नीचे गरीब आदमियों की बातें जानते हैं। क्या कहेंगे, मोदी जी और राहुल गांधी में कौन पसंद? मोदी जी अच्छे हैं जी। मोदी जी ने अच्छा देश का इतना विकास कर दिया, देखो आज देखो कहाँ कहाँ एक्सप्रेस वे बन गए हैं और कहीं देखो विदेशों में इंडिया का नाम हो रहा है और हर जगह पे इंडिया का नाम हो रहा है। पहलवान बेटियों ने जो इंडिया का नाम किया था वो तो सड़क पे। नहीं वो भी ठीक है, उनका भी अपना कहना सही है, लेकिन इसको राजनीति से जोड़ना ही बहुत गलत बात है। हाँ।
इस चीज को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो वो बीजेपी के सांसद है ना। कौन है बीजेपी के सांसद? बृजभूषण शरण सिंह। ठीक है अपनी बात, उन्होंने गलत किया है बेटियों के साथ, आपको नहीं लगता? मुझे लगता है अगर उन्होंने गलत किया है तो हाँ वो गलत है, लेकिन अगर एक बात यह है ना कि इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जैसे बीजेपी पार्टी अब मोदी जी का तो सहमत है आप? हाँ सहमत है। मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ मोदी जी अच्छे लगते हैं। मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ। आप क्या कहेंगे, मोदी जी राहुल गांधी कौन अच्छे लगते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी इधर आइए, इधर आइए आप, इधर आइए। ये कह रहे हैं राहुल गांधी अच्छा लगता होगा। हाँ ठीक है, अपनी अपनी सोच है। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी इस बारे में ज्यादा नहीं बोलना। आप इन लोगों को जवाब दीजिए। ना ना मैं कुछ नहीं जवाब दूंगा, मुझे मुझे अपनी अपनी सोच है। राहुल गांधी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? भाई क्यों क्या लगता ही नहीं है। मोदी जी ऐसा क्यों अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मोदी जी के राज में बेटियां, देश के लिए बेटियां सड़क पे हैं। कहाँ पे? सड़क पे है। देखिए पहलवान राजनीति चल रही है, कोई सड़क पर नहीं है, सब ऐसे ही है। सड़क पे होना वो इस वजह से नहीं है कि बीजेपी की वजह से सड़क पे हैं। सड़क पे नहीं है, बीजेपी की वजह से थोड़ी सड़क पे हैं वो। कांग्रेस के सड़क पे नहीं थे, क्योंकि पहले भी देखो देखो पहले भी होते थे हमारे देश में आंदोलन होते थे, लेकिन अब देखो जब से बेटियां, जब हम किसी को जैसे राहुल गांधी कांग्रेस को हमने हरवाया और बीजेपी अगर सत्ते में आई है, सत्ता में है, सत्ता भार बीजेपी ने संभाला है, तो हम उनसे ज्यादा उम्मीद करेंगे ना। हाँ उम्मीद सरकार से ही होती है, उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके लिए बीजेपी की वजह से, मोदी की वजह से। आप कह रहे हो ना कौन अच्छे लगते हैं आपको, राहुल या मोदी? वैसे तो कारोबार के हिसाब से राहुल ही अच्छे लगते हैं। ये दो लोग राहुल को पसंद करते हैं और दो लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, हालांकि तीन लोग राहुल जी को क्यों पसंद करते हैं आप? कारोबार अच्छे चलते हैं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, इसलिए पसंद करते हैं कारोबार। अभी तो वो लोग वो तो अभी है ही नहीं। है नहीं, वो एक अलग चीज है, नहीं है ना, सांसद है। हमारा कारोबार चलना चाहिए, हमारा मतलब ये कोई भी ज्यादा दंगा ना हो और कारोबार चले। तो मोदी जी के राज में दंगा होता है? दंगा तो नहीं, तो कारोबार चलने चाहिए, कारोबार नहीं चल पा रहा। कारोबार नहीं चल जी, मजा ये है। तो हम कारोबारी जो कारोबार जो कर रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आप कारोबार करने वाले हैं, चल रहा है आपका? ठीक हाँ बिल्कुल बढ़िया चल रहा। मोदी जी के राज में खुश है? बिल्कुल खुश हूँ मैं तो। तो आप लोग कहेंगे हर हर मोदी घर घर मोदी? हाँ बिल्कुल कहेंगे, 100% कहेंगे, 99% कहेंगे। टेंशन किस बात की? ये लोग आप लोग भी कहेंगे, यहाँ पे तमाम लोग मोदी जी को पसंद करने वाले हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं एक मैडम है हमारे साथ, वो देखिए ये आपके घर में क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ भुट्टा बोला जाता है। तो ये आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? भुट्टा। भुट्टा ही बोलते हैं। तो ये बेच रही हैं। कौन अच्छे लगते हैं, मोदी जी अच्छे लगते हैं कि राहुल गांधी अच्छे लगते हैं? क्या बोले, कौन सा नेता हमारे हित में है? वो उसके लिए हम, कौन है आपके हित में? मोदी जी हित में काम कर रहे हैं? हमारे हित में नहीं है, कोई हित में नहीं है, मजदूर के हित में कोई नहीं है, महिलाओं के हित में कोई नहीं, कोई नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं है। कैसा काम चाहती है सरकार से, क्या करें? काम चाहते हैं कि हम जहाँ पे बैठे वहाँ बैठे रहे, अपने रोजी रोटी कमाए, अपने बच्चों का पेट पालन करें, ये चाहते हैं। हमारी मदद करें। मदद तो कर रही है, अनाज दे रही है सरकार। कौन सा अनाज दे रही है? कांग्रेस के राज में इतना अनाज मिलता था, पहले कितना अनाज मिलता था एक जने को, अब 2 किलो चावल दे रहा है, 1 किलो चावल दे रहा है, पूरा महीना कट जाता है। लोग यहीं पे 2-4 लोग थे, वो बोल रहे थे नहीं आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। हाँ तो हमें क्या पता कौन आएगा, हम नहीं जानते कौन आएगा। अच्छा आपका काम वाम कैसा चल रहा है? काम कुछ नहीं है, सुबह से अभी लेके आई हूँ, दिमाग काम नहीं। कांग्रेस का राज रहता तो क्या होता? अरे पता नहीं क्या होता भाई। ये नाराज लग रही है, हालांकि इन्होंने कहा कि जब कांग्रेस का राज था तो भर भर के चावल और आटे, चीनी, मिट्टी का तेल सब मिलता था ना। हाँ। और क्या, मिट्टी का तेल, राशन, चावल, चीनी सब कुछ मिलता था। अभी चीनी खाया, चीनी का कौन खा रहा है? मोदी खा रहा, कौन खा रहा है? अच्छा। आपने देखा कि वहाँ पे मोदी जी को पसंद करने वालों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जब काम की बारी आती है तो लोग कांग्रेस को ही चुनते हैं। और फ्री की जहाँ तक बात की जाए तो ये कहते हैं 80 करोड़ जनता को, ये मेरी बात नहीं है, ये मोदी जी का योजना है कि 80 करोड़ जनता को 5 kg चावल, सॉरी 5 kg अनाज देंगे, उसमें क्या देंगे ये नहीं है। लेकिन जब हम इन मैडम से बात किया तो हमने तो पता चला कि कांग्रेस के राज में इनको चीनी, चावल, मिट्टी का तेल, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती थी। क्या नाम है आपका? जोगिंदर। जोगिंदर कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है। दिल्ली से? प्रॉपर दिल्ली से हैं, यूपी से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। कौन अच्छे लगते हैं, राहुल गांधी या मोदी जी? मोदी जी। क्यों? काम अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों को? श्री मोदी जी। श्री मोदी जी। राहुल की तो हम शक्ल नहीं देखना चाहते। आप? मोदी 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 मोदी, हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। राहुल को सर कौन पसंद है? राहुल की हम शक्ल देखना पसंद नहीं करते, देश का दुश्मन है वो। कैसे?
कैसे हा? अरे हमारे मोदी जी को चौकीदार चोर कहता है, जो जो देश का बेड़ा पार कर रहे हैं मोदी जी है। राहुल को हम एकदम कौन अच्छे लगते हैं, मोदी या राहुल? केजरीवाल। केजरीवाल तो केजरीवाल तो अगर केजरीवाल की पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। वो प्रधानमंत्री भी बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा मतलब ना राहुल ना मोदी या केजरीवाल। हम लोगों ने यहाँ पे हमने बात करना शुरू किया था राहुल मोदी, लेकिन अब तीसरा नाम उभर रहा है केजरीवाल। केजरीवाल कैसे लगते हैं? वो भी अच्छे, वो भी अच्छे हैं। प्रधानमंत्री बनने लायक है वो? नहीं बिल्कुल नहीं। केजरीवाल सिर्फ है ना, बस थोड़ा ही वो है बस। केजरीवाल में छिछोरापन है, छिछोरापन है, छिछोरापन अपनी सोच है। आप क्या बोले, छिछोरापन नहीं, ये इनकी सोच है, सबकी अलग अलग। बताइए आप, मैं क्यों बताऊं? आप लड़वाना चाहती है तो आज मैम, एक्सक्यूज मी मैम, आप बताइए कि आपको राहुल गांधी और मोदी जी में कौन अच्छे लगते हैं? राहुल गांधी। देखिए ये मोहतरमा कह रही है राहुल गांधी पसंद है और आप कह रहे हैं मोदी जी। मोदी जी पसंद है, मैं राहुल गांधी पसंद है। घर घर मोदी। एक वजह बताइए जो कि आपको राहुल गांधी पसंद है। राहुल इसलिए पसंद है, उस बेचारे को इन लोगों ने पनपने नहीं दिया, मोदी जी ने पनपने नहीं दिया, नहीं तो उसके अंदर राजनीतिक गुण बहुत ज्यादा है। दिल का जो खुद पनप के आता है, कोई और मौका नहीं देता, हमेशा ध्यान रखना। जो मोदी जी में अपने अंदर है, दोनों दोस्त है, पॉलिटिकली नहीं वैसे दोस्त है। अच्छा ऐसे दोस्त है, प्रोफेशन भी आ रहा एडवोकेट मोदी के आने के बाद। अच्छा आप लोग लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जब मोदी जी आप कह रही है हर हर मोदी घर घर मोदी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके इसी मोदी सरकार में बेटियां पहलवान जो है धरने पर है, इस पे क्या कहेंगे? पहले क्या था, पिछले 100 साल से क्या हो रहा था? कहने से बलात्कार कर दिया, ऐसे नहीं होता। आप प्रूफ दो ना। नहीं नहीं, बलात्कार का कोई सबूत नहीं होता। जब बलात्कार होता है कोई आई विटनेस थोड़ी होता है, कानून प्रूफ से चलता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है लेडी लेडी का अंधभक्ति से एक एक करके इनके हाथ में प्रूफ है, ये दिखा देंगे यहाँ पे। बात बताइए ये तो सही कहा, अगर हमसे कोई बलात्कार करता है तो हम उस समय ये तो नहीं बोलेंगे, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि एक मिनट रुको बलात्कार करना, हम वीडियो चला देते हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे। एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर लड़की ने बोल दिया मेरे साथ हुआ है तो हुआ है, बस ओनली स्टेटमेंट इज कानून हमारा है ना। ये एडवोकेट, अरे भाई साहब, भाई साहब ये वकील है, ये वकील है। बात कर रहे हो आप, जो इंदिरा गांधी काम कर गई है ना, बाकी कोई नहीं कर। और झुग्गी झोपड़े वालों को मकान दे दिया, राहुल की बात कर रहे हैं। अरे राहुल में क्या गुण है? हाँ जो इनकी दादी काम कर गई, जो नेहरू काम कर गए, मोदी जी की है, मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं? महंगाई तो इतनी कर दी है मोदी जी ने, है हाँ देश को आगे बढ़ा दिया। कैसे? देश से मतलब हमें देश ही आगे बढ़ाना है। मैम हमारा देश 9वां स्थान पे था, आज 2 नंबर पे है। किस बात पे? किस बात? मोदी जी की बहुत। अच्छा अच्छा किस बात में? आप तो पढ़े लिखे एडवोकेट हैं, आप पढ़े लिखे ये एडवोकेट है मोहतरमा, हम इनसे बात करेंगे कि किस मामले में 2 नंबर पे है? किस मामले में? ये आप देखो ना, जो आज इज्जत, जो आज इज्जत हमारे देश की है पूरे संसार में। ये कह रहे हैं बेरोजगारी के मामले में, उनके इससे पहले तो सब नौकरियां लेके घूम रहे थे। 50 साल में सबसे न्यूनतम स्तर पर बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी खड़ी ना। आप पिछले 5 साल से बेरोजगार है, उससे पहले से बताइए आप। कांग्रेस के जमाने में जो विकास हुआ था बिल्कुल नहीं हुआ है, और मोदी ने तो सिर्फ गुजरातियों को बना दिया, बाकी जाए भाड़ में। इसलिए मोदी नो मोदी, मोदी से बढ़िया तो फिर केजरीवाल है। ये कह रहे हैं दो लोग यहाँ पे केजरीवाल, ये मोहतरमा और ये मोहतरमा एडवोकेट है। और हालांकि जब हमने बात की कि महिला पहलवान यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं, मैंने आपने पूछा नहीं था मेरे से। आपको मैंने हाँ। ये बताया कि इस तरह के स्कैंडल जब प्रूव हो जाए तब बात होती है। कैसे प्रूव? कोई प्रूव है ही नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है। रातों रात नोट बंद हो सकते हैं, और रातों रात उन लड़कियों को न्याय नहीं मिल सकता। क्यों उनको धरने में बिठा रखा है? क्योंकि बीजेपी का नेता है जो एक्यूज्ड है। आज सुबह मैडम आपने स्टेटमेंट पढ़ी है उस माइनर लड़की की, वो बताइए उसके फादर ने दी है। नहीं फादर नहीं है, चाचा है, और उनसे बात नहीं होती है, उनकी फैमिली में अनबन है। अच्छा अच्छा ये बात प्रूफ है, ठीक है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया ये। लेकिन आप ये कहिए कौन सी पार्टी है? पार्टी का जो चल रही है ठीक है। राहुल
बोलो जो भी बने हमने तो खुद कमाना है खुद खाना है, जो माई बन जाए हमको कौन कुछ दे रहा है। नौकरी मिलनी भी तो चाहिए। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस का नारा तो हम भी खाएंगे तुम भी खाओ, मोदी का नारा मैं ही खाऊं तुम घर बैठो बस। अच्छा तो यहाँ पे देख सकते तमाम लोग, आप एक बार कैमरा घुमा के देखेंगे तमाम लोग है। जनहित आवाज, जनहित आवाज चैनल का नाम है हमारे।